राज्यसभा चुनावों को लेकर राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस के प्रत्याशी जीतेंगे। हमारे दोनों प्रत्याशी निश्चित तौर पर जीतने वाले हैं। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और विधायक एक साथ है और एक साथ रहेगा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि महामारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की जोड़ी लोकतंत्र को ध्वस्त करने में जुटी है। कोरोना काल में राजस्थान सरकार को अस्थिर करने की साजिश की गई। कोरोना से लड़ने में भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ हुई। मोदी शाह प्रजातंत्र का चीर हरण करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का स्वतः ही पूर्ण बहुमत है दोनों सीट कंफर्टेबली जीतने का, लेकिन आंकड़े दिखाते हैं कि हमारे को समर्थन करने वाले दल, निर्दलीय विधायक जो पिछले 1.5 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार को समर्थन कर रहे हैं, वो पूरी ताकत के साथ हमारे दोनों उम्मीदवारों के साथ खड़े हैं। राज्यसभा चुनावों के अंदर हमारे दोनों उम्मीदवार वेणुगोपाल जी और नीरज दांगी जी यहाँ से चुनाव जीत कर जाएंगे, इसमें किसी को कोई किसी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिए। मैंने कल भी इस बात को कहा, कोई भी अगर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, तो वो सिर्फ अपना टाइम जाहिर कर रहा है। क्योंकि जैसे रणदीप जी ने कहा, इस देश के अंदर केंद्र सरकार ने ना तो कोई देशव्यापी नीति बनाई श्रमिकों के लिए, और लॉकडाउन के बाद जो लगातार अर्थव्यवस्था चरमरा रही है उसको सुधारने के लिए कोई पुख्ता कदम उठाए नहीं है। उसका दुर्गामी जो इफेक्ट है वो हम सब देख रहे हैं। राजस्थान में हम लोगों ने मेहनत कर ना सिर्फ श्रमिकों को, प्रवासियों को और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर विशेष रूप से नरेगा के माध्यम से लोगों को मदद करी है। इस चुनौतीपूर्ण समय में किसी को बेवजह आकलन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव पहले होने थे, लॉकडाउन हो गया, उसको पोस्टपोन किया गया, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो सरकार चलाने का काम हो रहा है उसमें सभी विधायकगण हमारे साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। वेणुगोपाल जी और नीरज दांगी जी ने नामांकन भरा था कुछ समय पहले, और आज सभी साथियों से, और आप में से कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि यहाँ क्यों बुलाया, वहाँ क्यों बैठे, हमारे दल के लोग हैं, कोरोना में 3 महीने आपस में मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो खुले में, क्योंकि घरों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाती, इसलिए कल और आज यहाँ इस होटल में मीटिंग करने का हम लोगों ने मन बनाया। ऐसे में भाजपा खरीद फरोख्त की राजनीति की ओर चौथा उम्मीदवार खड़ा कर क्यों षड्यंत्र कर रही है, जब उनके पास संख्या बल है ही नहीं। संख्या बल कांग्रेस के पास 2 उम्मीदवारों का है, भाजपा के पास 1 उम्मीदवार का, 3 उम्मीदवार चुने जाने, वोट दिखाकर डलेगी एक एक विशेष प्रतिनिधि को संविधान के संशोधन के अनुरूप। तो वो खरीद फरोख्त, आया राम गया राम, भ्रष्टाचार की राजनीति के पथ प्रदर्शक बनकर क्यों खड़े, इसका जवाब जेपी नड्डा साहब और अमित शाह जी, जो इस बात के अपने आप को बहुत बड़े सेनापति मानते हैं, और खुद माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान की वीर बहादुर जनता को और देश की जनता को अवश्य दे दें। धन्यवाद।